झारखंड और रांची विशेष तौर पर स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ एंट्री से चकित है, हैरत में है। और आज एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पधारने वाले हैं। रांची में उनका रोड शो होने वाला है। रांची शाह के इंतजार में है। रांची पूरी तरीके से तैयार है अमित शाह के इंतजार में। अमित शाह का मेगा रोड शो रांची में। चुटिया में एक घंटे का रोड शो। चुटिया में यह विशेष समय निकालना अमित शाह का एक बड़ा संदेश है। इंदिरा गांधी चौक से सरस्वती शिशु मंदिर तक रोड शो चलेगा अमित शाह का। संजय सेठ के पक्ष में शाह करेंगे प्रचार। अमित शाह के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। काफी उत्साहित हैं भाजपा के कार्यकर्ता। जगह जगह पर शाह के स्वागत की तैयारी है। डेढ़ किलोमीटर लंबा होगा रोड शो। रोड शो को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देश के गृहमंत्री हैं, निश्चित तौर पर सुरक्षा की भारी भरकम व्यवस्था रहेगी। रांची तैयार है, शाह का इंतजार है। जी आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में भी जनता में भी उत्साह है। लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश में एक अच्छी सरकार बने पुनः नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, ये देश की जनता चाहती है। और मैं आशा करता हूँ कि रांची की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से भेजेगी और अमित शाह जी आज रांची की जनता को संबोधित करेंगे। तो उनके आने से कार्यकर्ताओं में तो एक उत्साह का संचार होगा ही, साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले लोग और जो देश को प्रेम करने वाले लोग हैं, और उत्साह और दोगुने उत्साह के साथ लोग काम करेंगे और वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी पहले भी 12 सीटें जीती हुई एनडीए गठबंधन, और इस बार 14 के 14 सीट और एक विधानसभा का उपचुनाव है, यानी सभी सीटों को जीतने की हम सब लोग तैयारी कर उसमें लगे हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।